पंजाबी लोक गायक सुरेंद्र छिंदा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनका लुधियाना शहर में मॉडल टाउन एक्सटेंशन से शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया और छिंदा के अंतिम दर्शन और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लुधियाना के अलावा दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे और अंतिम संस्कार से पहले छिंदा के पार्थिव शरीर को अंतिम सफर के लिए निकाला गया, जहाँ नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और विदाई दी गई। स्कूल ऑफ एविनेंस के 18 छात्र शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चंडीगढ़ से श्रीहरिकोटा के लिए रवाना हो गए हैं। ये सभी छात्र इसरो की ओर से रविवार को किए जा रहे रॉकेट लॉन्च की प्रत्यक्ष अनुभूति कर पाएंगे और ये जानकारी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये सीएम केजरीवाल और सीएम मान का एजुकेशनल मॉडल है। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने राज्यपाल को पंजाब में बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान को लेकर ज्ञापन सौंपा है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर रवि बलाचोरिया गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम हेरोइन और 3 पिस्तौल 260 कारतूस भी बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपियों से 1 लाख से ज्यादा की ड्रग मनी भी बरामद की गई और इसकी जानकारी डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि सफलता बहुत बड़ी है क्योंकि ये गिरोह काफी समय से एक्टिव था और पुलिस इनकी तलाश में थी। भारत सरकार की ओर से देशभर में 28 एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम के तहत शामिल किया गया है, जिसमें पंजाब के पठानकोट आदमपुर बठिंडा हवाई अड्डे को भी शामिल किया गया। उड़ान स्कीम के तहत अब जल्द ही नई उड़ानें जो हैं डोमेस्टिक उड़ानें शुरू होंगी और जिसका फायदा सीधे तौर पर आम जनता को होगा। और इस फैसले को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पठानकोट के विधायक अश्विनी शर्मा ने इसके लिए प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री का धन्यवाद किया। पंजाब सरकार के दिशा निर्देश पर पंजाब पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में तरनतारन पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें से पुलिस ने 180 किलो भुक्की बरामद की। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार करके बनती कार्रवाई शुरू कर दी। नकोदर स्थित कॉम्प्लेक्स में विजिलेंस विभाग की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान विजिलेंस विभाग की टीम ने रजिस्ट्री क्लर्क विश्वान जोशी को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। नकोदर के गांव सेहम निवासी प्रदीप सिंह की शिकायत पर विजिलेंस विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। प्रदीप सिंह ने बताया कि उसने आर्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था, जिसके लिए तहसील विभाग के कर्मचारियों ने उसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, जिसके बाद उसने उस वक्त मामले को लेकर विजिलेंस विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी और विभाग की टीम ने आरोपी क्लर्क को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पटियाला पुलिस ने मां बेटी की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि मृतक महिला आरोपी की मासी थी और पैसे को लेकर आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा है कि आरोपी ने कई बार चाकू से हमला किया था, जिसके बाद महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई है। अचनाला में दिनदहाड़े बुजुर्ग की हत्या के मामले की परिजनों ने एनआईए जांच की मांग की है और महिला के बेटे ने बताया कि जिस जगह पर उसका घर है उस जगह चारों तरफ से काफी सुरक्षित है, लेकिन इसी बीच अज्ञात लोगों ने उसके घर में घुसकर उसकी मां के कान की बालियां उतारकर उसकी हत्या की, जिसे सीधे तौर पर लूट की घटना नहीं लगती और उसकी योजना से हत्या की गई। मृतक के बेटे ने परिवार के लिए इंसाफ की मांग की और पंजाब पुलिस पर सवाल उठाए। नवाशहर के तहसील बलाचौर के गांव एमा चहला के रहने वाले
गुरविंदर नाथ की कनाडा में मौत हो गई है। 24 वर्षीय गुरविंदर नाथ साल 2021 में कनाडा पढ़ाई के लिए गया था और गुरविंदर नाथ की मां नरेंद्र कौर अपने बेटे की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई, हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई है। श्री मुक्तसर साहिब के अमलोट में कंप्यूटर सेंटर पर हथियारों के बल पर लूट करने का मामला सामने आया और 40,000 रुपये लूट कर आरोपी फरार हो गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि दो नकाबपोश लुटेरे दुकान के अंदर दाखिल हुए, हथियार दिखाकर नकदी लूट कर ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने घटना की शिकायत पुलिस में दी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जाँच की जा रही है।